जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में कोटा के सांगोद का निवासी हेमराज मीना भी शहीद हो गया। हेमराज मीना सीआरपीएफ की 61वीं बटालियन में तैनात थे। जैसे ही हेमराज के घर आतंकी हमले में उसकी मौत की सूचना पहुंची तो उसके घर में मातम पसर गया। सांसद ओम बिरला, पूर्व विधायक हीरालाल नागर, भवानी सिंह राजावत शहीद हेमराज के सांगोद के पास स्थित गाँव विनोद खुर्द पहुँचे। शहीद हेमराज के पिता काफी गमगीन थे, वहीं हेमराज की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल था। सांसद ओम बिरला ने सभी को ढाढ़स बंधाया। सांसद ओम बिरला ने कहा कि दुख की घड़ी में वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री ने भी इस घटना का प्रतिशोध लेने की बात कही है। देर रात जैसे ही शहीद हेमराज के सांगोद स्थित घर पर उसकी मौत की खबर पहुंची तो उसके घर पर चीख पुकार मच गई। शहीद के घर में परिचितों, पड़ोसी और रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया। सांगोद के विनोद खुर्द गांव के रहने वाले हेमराज मीना सीआरपीएफ 61 बटालियन में तैनात थे और पुलवामा आतंकी हमले के दौरान वह भी उस बस में सवार से जो आतंकी हमले का शिकार हुई। देर रात को जम्मू के सीआरपीएफ कैंप से शहीद के घर पर सूचना देकर उनकी मौत की पुष्टि की गई। हेमराज मीना की पत्नी मधुबाला ने पूरी रात हिम्मत दिखाते हुए अपने बच्चों और ससुर को इस घटना की जानकारी नहीं दी, लेकिन परिचित और पड़ोसियों से सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को इस बात का पता चल गया और घर पर लोगों का आना शुरू हो गया। शहीद हेमराज मीना के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। चारों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। सीआरपीएफ के सूत्रों के अनुसार मौसम खराब होने की वजह से वायु सेवा बाधित हो रही है। मौसम साफ होने पर उम्मीद है कि आज शाम को या शनिवार सुबह तक उनका शव उनके पैतृक गांव में पहुंचाया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम सबकी पीड़ा और इस परिवार की पीड़ा और दुख में हम सब उनके साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से मोदी जी ने कहा है कि शहादत बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और जिस तरीके से उन्होंने इस घटना को किया है निश्चित रूप से इसके परिणाम है।